करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा, तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जो पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया, क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा, आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। अलग हुए हैं लेकिन आप जानते हैं कब से शुरू हुआ है? 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, असंभव है, क्या बोले थे? और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पर हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी हैं, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, आप लोग भी आए तो कोई इधर उधर किया, 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया
और एक साथ उसको भी किया, और जब आप लोग आए तो सात निश्चय दो का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी तो शिक्षा के मंत्री कौन थे, और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था लेकिन इधर उधर नहीं किया, अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा बोल, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर हमको इसकी चिंता नहीं है, विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोरी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे अब उस पर तो हमको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या दोबारा तिवारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहाँ पर मीटिंग भी किया, आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे, हम इन लोगों को कह रहे थे कि छह पार्टियां हैं तो सभी छह पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया, हमने कहा कि उनके साथ दो दीजिए और बाकी कांग्रेस को दो ही दिए, हमने कहा नहीं दो से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है, और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे हम के जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी, तो इसीलिए। और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था, हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। और हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे, हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उनके हित के लिए भी काम करेंगे।